नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिस वायलेट मैट मेकअप लुक। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर वाचिंग रैबीज़ फैशन्स एंड आई एम स्वानाली। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। ओके, स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस को वॉश कर लिया था फेस वॉश के साथ एंड देन आई एम अप्लाइंग हियर निविया क्रीम एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ऐड हिमालया का जो लिप बाम है। ये आपको 40 रुपीज़ में मिल जाता है। थोड़ा सा स्किन केयर बिफोर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एज अ क्या कहते हैं उसको, प्राइमर, एज अ प्राइमर मैं यूज़ करूँगी मलबेरी जेल। अगर आपके फेस में ज़्यादा पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है देन आप इसको आराम से एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर इज़ स्विस ब्यूटी कंसीलर। ये थोड़ा सा लाइट शेड है तो एज अ आई प्राइमर ये काफ़ी अच्छी तरह वर्क करेगा। अपने दोनों आईज़ के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू गो विद द आई मेकअप एंड देन विद द फेस मेकअप। जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्या कहते हैं इसको, ब्यूटी ब्लेंडर। यस, ब्यूटी ब्लेंडर, वेट ब्यूटी ब्लेंडर एंड अच्छी तरह इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ हियर जैकलिन हिल मॉर्फी पैलेट। ये जो ब्लैक शेड है उसको यूज़ करूँगी विद एन एंगुलर ब्रश। मैं ब्लश बोलने वाली थी, ब्रश। आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई आईब्रोज। मैंने आईब्रोज करवाया था रिसेंटली सो यू कैन सी ऑलरेडी इट इज़ इन अ गुड शेप। सो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ फिल करना था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा ओवर डू मत कीजिए आईब्रोज़ के साथ बिकॉज इट लुक्स गुड व्हेन इट्स नेचुरल। सो मैं भी ज़्यादा ओवर डू करती नहीं हूँ। वैसे कुछ भी यूज़ करूँ, चाहे ब्रो पेंसिल यूज़ करूँ या फिर ब्रो पाउडर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गो इन अ वेरी वेरी नेचुरल लुक इन केस ऑफ ब्रोज। ओके, इसको सेट करूँगी विद द स्किन शेड। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्किन शेड मिल जाता है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर इज़ दिस शिमरी वायलेट या फिर पर्पल शेड, रादर ये आई थिंक वायलेट शेड ही है। एंड अच्छी तरह मैं इसको स्पेशली ऑन माय क्रीज मैं इसको अप्लाई करूँगी थोड़ा सा फिंगर्स की हेल्प से ताकि मुझे मैक्सिमम पिगमेंटेशन मिले। फिंगर्स की हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द ब्रश। एंगुलर ब्रश है, थोड़ा सा लाइक एंगल ब्रश है तो इसको ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड तब तक आप इसको अप्लाई कीजिए एंड ब्लेंड कीजिए जब तक ना आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल जाता। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मैट स्किन शेड एंड दिस डार्क ब्राउन शेड। ये जो स्किन शेड मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ना, ये थोड़ा सा पिंकिश ब्रिक, लाइट ब्रिक शेड था एंड मुझे इसका शेड सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सॉफ्ट सा शेड था। मैं फिर से यहाँ पे फिंगर्स का यूज़ करूँगी एंड ये जो स्पॉन्ज ब्रश है उसकी हेल्प से ही मैं इस शेड को अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो रहा था एंड दैट इज़ द मेन थिंग आई लव अबाउट मॉर्फी पैलेट बिकॉज ये बहुत ही ईजिली द कलर्स। हाँ, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है लाइक पिगमेंटेशन मुझे थोड़ा सा कम लगता है बट ब्लेंडिंग इज़ अमेजिंग इन दिस। और थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके मैं आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा बस एज अ शेड, एज अ मैं कैसे कहूँ, एज अ डार्कर शेड पॉप आउट करने के लिए यूज़ करूँगी विद द ब्रश। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्रश, क्लीन ब्रश टू डस्ट अवे ऑल द एक्स्ट्रा फॉल आउट्स। ओके, एंड फिर मैं यहाँ पे करेक्टर यूज़ करूँगी। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई सिग्नेचर स्टाइल जहाँ पे मैं किसी भी टाइप के मेकअप में एवरीडे मेकअप में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनके फेस में मेरी तरह से पिगमेंटेशन है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन बट उसके साथ आपको थोड़ा सा करेक्टर यूज़ करना पड़ता है। चाहे आप बीबी क्रीम यूज़ करो, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, कुछ भी आप यूज़ करो, ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू गो विथ लैक्मे फाउंडेशन। दिस इज़ द नॉर्मल वन। दिस इज़ आई थिंक माई शेड इज़ नेचुरल एंड ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल है फ्रॉम लैक्मे ब्रांड। एंड इसको ही मैं अच्छी तरह बिल्डअप करूँगी। आप देख सकते हैं मैं पूरे फेस पे इसे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द ब्यूटी स्पॉन्ज। ओके, मैं वही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आई एम अप्लाइंग इट इन डॉट्स। वाई? बिकॉज मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए नहीं था एंड सेकेंडली ये काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है मेरे स्किन के लिए तो मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड यू विल सी द रिजल्ट। काफ़ी ज़्यादा सही रिजल्ट मिला है, मुझे स्मूथ सा रिजल्ट मिला है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर लूज पाउडर जस्ट अंडर माई आईज एंड अराउंड माई माउथ एरिया एंड थोड़ा सा रखूँगी एंड देन ब्लेंड आउट कर दूँगी. यहाँ पे मैं एक्चुअली ब्लेंड ही कर रही थी. जो क्लिप मैंने जहाँ पे अप्लाई किया था ना अराउंड माई अंडर आइज एंड अराउंड माई माउथ एरिया, वो डिलीट हो गया था, सो सॉरी. बट अदरवाइज आपको अच्छी तरह ब्लेंड करना है. थोड़ी देर बस 30 सेकेंड्स रख दो एंड देन यू हैव टू जस्ट ब्लेंड इट ऑफ. ओके, जो एक्सेस है आप पूरा फेस में उसे ब्लेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर दिस ब्राउन शेड, दिस ऐश ब्राउन शेड एज माई कॉन्टूर. थोड़ा सा अपवर्ड साइड आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसे अपवर्ड साइड में ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक अपवर्ड पुश करूँगी ताकि जो एलिवेशन है आपका, जो फेस है वो थोड़ा सा यू नो लाइक पुल्ड अप लगे. ठीक है, आई होप आई कुड लाइक मेक यू अंडरस्टैंड. इसी तरह फेस को कॉन्टूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है and I personally feel this is one of the best parts of doing a makeup. ये आपके face को इतना sculpted लगता है ना after doing this you know contour. I personally feel it is really good. Nose को भी अच्छी तरह contour कर लूँगी and then I'm going to apply this shimmery orange shade from Savannah Ultra Blush Palette. Okay, and अपनी cheeks को मैं अच्छी तरह you know अब देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह मैंने अप्लाई किया था. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्यूटी स्पॉन्ज. आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप करने की क्या ज़रूरत है, पहले ही हम इसे थोड़ा सा अप्लाई कर सकते थे. बट आई पर्सनली फील ये ना ये अच्छी तरह ब्लेंड कर देता है, एक नेचुरल सा ग्लो मुझे ऐसा लगता है मिलता है. तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा अप्लाई करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू ब्लेंड इट, आपको एक नेचुरल सा लुक मिलेगा. मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई और प्रोसेस पसंद है आप ज़रूर उसी तरीके से अप्लाई करें. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस शिमरी शेड फ्रॉम द सेम आई शेडो पैलेट एंड थोड़ा सा नोज़, थोड़ा सा चिक्स पे, ऑन माई क्यूपिड्स बो एंड ऑब्वियसली इन द इनर कॉर्नर्स ऑफ माई आइज. अगर आप देखोगे मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से ही इसी तरह ब्लेंड करूँगी, बट आई एम नॉट अप्लाइंग टू मच इन द इनर कॉर्नर्स. मैं इसको ब्लेंड करके एक्सेस को रिमूव कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया है जस्ट फॉर दैट यू नो दैट फ्रेश पॉप आउट लुक. अदरवाइज ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए बिकॉज जो हमने वायलेट शेड अप्लाई किया है ना वो ऑलरेडी शिमरी है. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ काजल. दिस इज़ फ्रॉम कोलोसल काजल फ्रॉम मेबलिन एंड टाइट लाइन करूँगी अपर एंड लोअर आईलेट्स को एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बोल्ड विंग्ड लाइनर. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं ऑब्वियसली, बट येस अ क्वाइट बोल्ड विंग्ड लाइनर. इसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक छोटा सा विंग ड्रॉ कर लेना है इन द आउटर कॉर्नर्स. आप जितने जितने दूर तक आप उसको एलोंगेट करना चाहते हो वैसा कीजिए एंड देन यू कैन जॉइन इट. आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपको जस्ट जॉइन करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट फिल द गैप्स एंड दैट्स इट. इट इज़ दैट मच ईजी. टेक योर टाइम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है. कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों से मैं भी तो लाइक मेकअप कर ही रही हूँ, तो प्रैक्टिस के बाद ही थोड़ा सा यू नो आप इजी हो पाओगे इस प्रोसेस में. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर इज लिपस्टिक. आज मैं करने वाली हूँ ओम्बर लिप्स एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ओम्बर लिप्स दैट आई एवर क्रिएट. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक लिप ब्रश. ये मैंने मीशो का जो ब्रश सेट मैंने ख़रीदा था उसमें मुझे मिला था एंड इट गिव्स द शेप यू नो लिप्स शेप इतना सही आता है ना. अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है, गो फॉर दिस टाइप ऑफ ब्रशेस, इट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल. मैं बस आउटर लाइन करूँगी, थोड़ा सा बस यू नो थोड़ा सा थिक कर दूँगी लाइन को एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर इज डस्की नूड. पहले मैंने यूज़ किया था ब्लैकबेरी फ्रॉम एवॉन एंड दिस इज़ डस्की नूड फ्रॉम स्प्लैश रेंज ऑफ ब्लू हेवन. ठीक है, एंड देन थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी. मुझे अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा इसको और आउटलाइन करूँगी. आप देख सकते हैं लिप्स यू नो थोड़ा सा एक फुलर, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लुक आता है, मुझे काफ़ी पसंद है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फर्स्ट यूज़ द वायलेट शेड इन द लोअर आईलिड्स एंड देन दैट ब्राउन शेड, या फिर मैं कैसे कहूँ जो डार्क ब्राउन शेड था ना मैंने वही अप्लाई किया था विथ अ फ्लैट ब्रश. अच्छी तरह शेड आउट कर दूँगी एंड यू कैन सी द आई मेकअप टर्न आउट टू बी रियली गुड. मुझे तो काफ़ी पसंद आया है एंड अगर आप यू नो किसी भी पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो, स्पेशली इंडियन वेयर में अगर आप जा रहे हो देन यू कैन ईजिली कैरी दिस. ओके, कोई भी लहंगा या फिर आप ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं चाहते, ग्लिटर्स वगैरह लूज़ ग्लिटर्स वगैरह आप नहीं यूज़ करना चाहते, देन आप ये वाला कैरी करके देखो. ये आपकी आइज़ को, और अगर आपके आइज़ थोड़ा सा लाइक स्मॉल आइज़ हैं तो आप ऑब्वियसली इसको ट्राई करो, ये काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट करता है आइज़ को. मस्कारा from I think this is also Colossal mascara from Maybelline and nicely coated and you are done with this makeup. I hope guys this was useful. काफ़ी ज़्यादा simple yet gorgeous सा makeup look है. कोई भी queries है, कोई भी request है, feel free to comment in the comment section box. I will come back with another video. Till then bye bye and take care. Bye.